हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम आपको लेके जाएंगे दिल्ली में सिचुएटेड एक इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट के टूर पर। इस पूरे एरिया का एंट्री टिकट 40 रुपये पर पर्सन है। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में सिचुएटेड, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको हर साल लाखों लोग देखने आते हैं। इस पूरे कॉम्प्लेक्स में कुतुब मीनार के साथ साथ कई सारी इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स भी सिचुएटेड हैं, जैसे कि अलाई दरवाज़ा है, कुवतुल इस्लाम मॉस्क है, आयरन पिलर है जो बहुत फेमस और इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है। इसके साथ साथ यहाँ पर खिलजी डायनेस्टी से रिलेटेड कई सारी मॉन्यूमेंट्स भी सिचुएटेड हैं, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा और उनका मकबरा। साथ ही साथ अलाई मीनार जो कि खिलजी ने बनवाई थी लेकिन वो इनकम्प्लीट रह गई थी। तो इस तरीके से इस पूरे कॉम्प्लेक्स में काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिसे आपको ज़रूर देखना चाहिए। जैसे ही आप इस पूरे कॉम्प्लेक्स में एंटर करेंगे तो सबसे पहली मॉन्यूमेंट आपको दिखेगी वो होगी अलाई मीनार। अलाई मीनार का जो कंस्ट्रक्शन था वो अलाउद्दीन खिलजी ने 1300 AD में स्टार्ट कराया था, और जो ओरिजिनल प्लानिंग थी इस मीनार को बनवाने की वो ये था कि कुतुब मीनार से भी डबल स्टोरी की, डबल हाइट की मीनार बनवाई जाए। लेकिन 1316 AD में उनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं होता। वो एज इट इज़ ही जो बेस फ्लोर कंप्लीटेड था उसी स्टेज में आज भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अलाई मीनार से थोड़ा सा आगे चलने पर आपको मिलेगा इल्तुतमिश का मकबरा। इल्तुतमिश दिल्ली के सेकंड सुल्तान थे जिन्होंने सन 1211 से लेकर सन 1236 तक रूल किया था दिल्ली पर, और उनकी डेथ के बाद, मृत्यु के बाद उन्हें यहीं पर इसी कब्र के अंदर दफना दिया गया था। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है इस पूरे कॉम्प्लेक्स की, जो आपको ज़रूर देखना चाहिए और एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए, वो है कुवतुल इस्लाम मॉस्क। ऐसा माना जाता है और ये हकीकत है कि इस मस्जिद का निर्माण एक हिंदू और जैन टेंपल को तोड़ कर किया गया था। इससे पहले यहाँ पर बहुत बड़ा जैन टेंपल और हिंदू टेंपल हुआ करता था, और उसी को तोड़ कर उन्हीं पत्थरों से यहाँ पर कुवतुल इस्लाम मॉस्क का निर्माण किया गया था। और इसका जो निर्माण था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, और ऐसा माना जाता है कि ये पहली ऐसी मस्जिद थी जो भारत में बनाई गई थी आफ्टर इस्लामिक इन्वेजन।
पूरे कोर्टयार्ड में जो पिलर्स हैं वो आज भी पुराने हिंदू जैन टेंपल्स के ही बने हुए हैं। इन पिलर्स पे नक्काशी भी इंडियन स्टाइल में की गई है, जिस पे अलग अलग कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, कमल के फूल बने हुए हैं, नक्काशियाँ बनी हुई हैं, जो सीधा सीधा आपको रिलेट करेंगी कि यहाँ पर पहले एक हिंदू टेंपल हुआ करता था। के बाद जो इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगी वो है आयरन पिलर। ऐसा कहा जाता है कि ओरिजिनली इस आयरन पिलर का कंस्ट्रक्शन चंद्रगुप्त सेकंड ने कराया था और ये उदयगिरी केव्स में विष्णु टेंपल कॉम्प्लेक्स में लगा हुआ था। इस आयरन पिलर को 10वीं सेंचुरी के अराउंड तोमर राजा अंगपाल ने उदयगिरी से शिफ्ट करके यहाँ पर इंस्टॉल करा दिया। उनका ये मानना था कि इस आयरन पिलर को यहाँ पर इंस्टॉल होना चाहिए बिकॉज वो इस कॉम्प्लेक्स में एक विष्णु टेंपल बनाना चाहते थे और उसके सेंटर में इस आयरन पिलर को लगाना चाहते थे, इसीलिए इसको उदयगिरी से यहाँ पे शिफ्ट कराया गया।
इसके बाद आपको इस कॉम्प्लेक्स में अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पर मदरसा भी देखने को मिलेगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगी वो है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा का जो कंस्ट्रक्शन है ये अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। बेसिकली इस तरीके के चार दरवाजे वो बनाने वाले थे इस पूरे कॉम्प्लेक्स में, लेकिन डेथ होने के कारण बस एक ही कंप्लीट हो पाया और वो आपके सामने है। इसी के साथ साथ इस पूरे कॉम्प्लेक्स में कई मकबरे ऐसे भी हैं जो स्पेसिफिक ट्रैवलर्स को डेडिकेटेड हैं, जो प्रीवियस हिस्टोरिकल टाइम्स में भारत आए थे।